नमस्कार, देश टीवी के खास कार्यक्रम खास बात में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं श्याम बैस जी। श्याम बैस जी बीज विकास निगम के अध्यक्ष हैं, साथ ही सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे दखल रखते हैं। तो हम चर्चा की दौर में शुरुआत से उनके पृष्ठभूमि की ओर हम पहले बढ़ते हैं और धीरे धीरे उनकी जो आज तक की जो क्रियाकलाप हैं, किस तरह से उन्होंने राजनीतिक पड़ाव देखा, सामाजिक पड़ाव से आगे बढ़े हैं, गायत्री परिवार से भी ये जुड़े हुए हैं जो आज गायत्री ट्रस्ट को स्थापित करने में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका श्याम बैस जी का है। बैस जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम आपकी जो पृष्ठभूमि है, बचपन से लेकर आगे तक का जो सफर रहा, किस तरह से आपके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि में रही किसान? हमारा परिवार शुरू से ही किसान परिवार रहा है। हमारे दादाजी थे मोतीराम बैस, वो 10 गांव के मालगुजार भी रहे, और चूंकि कृषि से हम लोग जुड़े रहे हैं, यहाँ के लोकल रहे हैं, तो हम लोगों का पूरे किसानों के साथ बहुत ही संपर्क रहा, और इसलिए मेरा इंटरेस्ट जो रहा है हमेशा किसानों की समस्याओं को लेकर के उनके समस्याओं को हल करना एक बहुत बड़ी मतलब ये बात रही। और इसमें जब मैं पढ़ के निकला कॉलेज से, तो मैंने जब सोचा कि बिजनेस करना चाहिए, तो मैंने ट्रैक्टर पार्ट्स की दुकान खोला किसान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के रूप में, ताकि मेरा किसानों के साथ जो लगाव है, जुड़ाव है, वो बना रहे। तो उसमें भी काम किया, और इसी बीच बचपन में RSS संस्था से मैं जुड़ गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मेरे से जो बड़े वाले भाई हैं वो जब नागपुर में पढ़ रहे थे, तो उस समय वो RSS से जुड़े, और जब कभी जब वो रायपुर आते थे, घर में आते थे, छुट्टियों में आते थे, अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो उस समय वो बहुत सारी RSS की बातें, नैतिकता की बातें, संगठन की बातें बताते थे। वो मेरे लिए इंटरेस्ट का विषय होता था, और इसलिए मेरा आदर्श अगर रहा है तो मेरे बड़े भाई रामजी बैस रहे हैं। तो लगातार जब आप RSS से भी जुड़े हैं, उसके बाद आपके जो छोटे भाई हैं रमेश बैस जी संसद हैं अभी, तो पारिवारिक के साथ साथ किसान के साथ आप राजनीतिक क्षेत्र में भी आप आ गए हैं। उसमें ऐसा है, जब इमरजेंसी लगा तो RSS के सदस्य होने के नाते डॉक्टर भैया राम जी बैस को भी 18 महीने के जेल में उनको रहना पड़ा, क्योंकि उस समय तो जितने विरोधी इस प्रकार थे, और खासकर RSS को ही इनने ज़्यादा चिन्हित किया था। तो उसके बाद जब इमरजेंसी ख़त्म हो गया और शासन पलटा भारत के अंदर, तो लोगों की ये इच्छा थी कि डॉक्टर रामजी बैस जो है राजनीति में आए, और जो उनका अनुभव, उनके जो सोच है समाज के लिए, RSS के तरीके से जो सोच है, उनका उपयोग समाज को मिले। लेकिन मेरे बड़े भाई साहब का ये सोच था कि मैं राजनीति में रह करके उतना शायद मैं समाज की सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारा RSS में काम करने का तरीका अलग है और राजनीति के काम करने के तरीके अलग हैं, तो इसलिए मैं उसमें फिट नहीं होऊंगा। तो उन्होंने क्या है कि मैं राजनीति में सीधा नहीं जाऊंगा, मैं RSS में ही काम करूंगा। तो बोले कि आपके परिवार से किसी को हमको दो राजनीति में, उस समय मतलब भारतीय जनता पार्टी बन चुका था, इमरजेंसी की बात, तो और उस समय तो जनता पार्टी ही था, जनता पार्टी में केंद्र में सरकार बनाई थी, मिलीजुली सरकार बनी थी। तो परिवार से जब चाहते थे, तो मेरे भैया ने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो छोटा भाई है रमेश बैस जी, वो अभी खाली है, अभी पढ़ के निकला है, और उस समय वो खाद का बिजनेस करते थे, तो बोले वो खाली है, उनका अगर उपयोग करना चाहो तो आप उनको ले लो, लेकिन मैं स्वयं जो है RSS छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, ये उनकी सोच थी। तो उसके बाद ही रमेश बैस जी, हाँ रमेश बैस जी फिर राजनीति में काम करने लगे, और उनने उस समय मतलब पार्षद का चुनाव लड़ा, और जब बड़े चुनाव आते थे लोकसभा विधानसभाओं के, तो वो पूरे बूथों को संभालते थे, हमारे ब्राह्मणपारा वार्ड से पार्षद बने, और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो मंदिर हसौद विधानसभा से विधायक बने, और फिर संसदीय जो चुनाव हुए, तो चूंकि उस समय हम लोगों को वास्तविक रूप में कैंडिडेट भी मिलना मुश्किल जाता था, तो जो लोग राजनीति में जुड़ गए थे, और इनका तरीका जो है पार्षद के रूप में, विधायक के रूप में बहुत अच्छा रहा, तो इसलिए सांसद के जब टिकट का वितरण हुआ, तो सांसद लड़ने के लिए भी इनको ऑफर हुआ। तो पहली बार लड़े कैलभूषण के विरुद्ध में, तो पहली बार में तो नेगेटिव रहा, लेकिन उसके बाद फिर लगातार फिर 7 बार वो सांसद रहे। तो इस तरह से आपके परिवार में राजनीति का भी एक दौर देखा आपने, उसके आप भी RSS से जुड़े हुए थे, तो आप BJP के साथ कैसे लगाव हुआ, किस तरह से आप उसके? मैं चूंकि जैसा बताया आपको मैंने
कि किसान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में मैं काम करता था, किसानों के हित में ट्रैक्टर के पार्ट्स के लिए, डीजल इंजन पार्ट्स के लिए, मेनन एंड मेनन डीजल इंजन का मैं डीलर था यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो उस तरीके से, और इसमें किसान लोगों के जो आवागमन रहता था समस्याओं के लिए, तो उससे मेरे दोनों प्रकार की बातें होती थी। और चूंकि देखो, कितना भी अलग रहे कोई आदमी, राजनीति को अलग नहीं कर सकता। हर बातचीत में, व्यवहार में राजनीति कहीं ना कहीं से आती है। लेकिन जो अच्छे संस्थाओं से जुड़े हो तो अच्छे काम करने के एक मनोबल बनता है। तो किसानों के साथ काम करने का भी मेरा मनोबल बढ़ा, इसलिए फिर मैंने किसान के साथ साथ मैं पार्टी का भी काम शुरू किया। क्योंकि जब भी चुनाव आते थे, चूंकि रमेश का भी चुनाव आते थे, उसमें संचालन की दृष्टि से भी मैं मतलब जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इनके साथ जुड़ते गया। और जहाँ जहाँ आवश्यकता होती गई, कार्यकर्ता के रूप में मेरा उपयोग हुआ, मैंने बिल्कुल दिल खोल के काम किया और हर जगह सफलता प्राप्त की। और यहाँ तक मैं तीन बार, जब चूंकि उस विधायक के बाद वो सांसद बन गए रमेश बैस जी, तो वो सीट जो मंदिर हसौद की खाली हुई, तो उसमें हमको उस समय कैंडिडेट नहीं मिलने कारण मेरे को लड़ना पड़ा। अच्छा। तो मैं तीन बार चुनाव लड़ा, तो वो तीनों बार में नेगेटिव रहा उस तरीके में, क्योंकि जो एक लिंकअप होता है काम करने का, काम करने वाले तो मिल जाते हैं लेकिन लिंक अगर टूट जाता है तो सफलता मिलने में ये होते हैं, तो उसमें मेरा पॉजिटिव नहीं हो पाया था। तो इसमें लेकिन मेरे पार्टी के प्रति जो निष्ठा और इन कामों को देख करके पार्टी ने मेरा उपयोग हमेशा किया, और मैं खुशी खुशी, मेरे को बहुत खुशी होती थी पार्टी में काम करके और बड़े बड़े नेताओं से मिल के, उनके जो व्यवहार, उनके सिद्धांत, इनको समझ के मेरे को आनंद आता था। तो इसका श्रेय आपको संगठन में भी आपको उसमें मिला हो? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला ग्रामीण, वृहत रायपुर जिला ना, जिस समय हाँ महामंदिर उस समय जब महासमुंद और धमतरी रायपुर जिले के अंदर होते थे, अब तो वो 5 जिले बन चुके हैं रायपुर के, तो उस रायपुर ग्रामीण जिले का 14 साल जिले का महामंत्री मैं रहा। अशोक बजाज जी जो रहे हैं वो अध्यक्ष रहे और मैं महामंत्री रहा। हम लोग तो उस समय काम करने के लिए दूसरों को सामने लाना चाहते थे, लेकिन लोग मिलते नहीं थे, तो हम ही लोगों को फिर से दायित्व तो मिलता था। तो 14 साल तक के रहे, उसके बाद फिर हमने छोड़ा। तो 2006 में उसके बाद रायपुर विकास प्राधिकरण, अपनी सरकार आ गई तो गठन हुआ, तो उसमें मुझे अध्यक्ष का पद मिला रायपुर विकास प्राधिकरण में। और उसी रायपुर विकास प्राधिकरण में कि जो अपने नगर घड़ी है, वो उस समय ख़त्म हो, मतलब उसका मैकेनिकल सिस्टम थोड़ा था, वो ख़त्म हो गया, तो हमने उसको जीपीएस सिस्टम में बदलने के लिए एक टेंडर किया था। और जब वो टेंडर होकर के उस घड़ी को बनाने के आया, तो मेरे दिमाग में बात आई कि हर घंटे में जो टन टन बजता है, उसमें क्यों ना हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उभारें, और उस टन टन की जगह में छत्तीसगढ़ के लोकगीतों की धुन, उसको हमने उसको रिकॉर्ड करवाया। केरल की पार्टी ने टेंडर लिया था और उससे करवा करके उसमें जीपीएस सिस्टम में डाले, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सिंगिंग मतलब टावर के रूप में वो मतलब एथराइज्ड हुआ। आज भी है, बरकरार है। और अभी अभी जैसे आप लोग समाचार में देखे होंगे कि फिर से नगर घड़ी को और संवारा जा रहा है, क्योंकि अब रायपुर की पहचान उस नगर घड़ी से होने लगी है, सिम्बॉलिक रूप में हो गया है। क्योंकि जब भी हम रायपुर का यदि गूगल में भी सर्च करते हैं तो वो घड़ी चौक ही, घड़ी चौक से ही दिखा जाता है। हाँ, घड़ी चौक से ही देखा जाता है। पूरा श्रेय जो है वो आपका ही आता है कि आरडीए के नहीं, लेकिन बनाने में उसको नरसिंह मंडल जी ने बनाया था, लेकिन जो घड़ी बंद हो गई थी वहां से फिर मैंने उसको रिपेयर शुरू किया। और फिर मैं चाहता था कि ये नगर घड़ी सिम्बॉलिक हमारा पहचान है, नगर का गौरव है हमारा, तो इसको ऐसा किया जाए कि कुछ ना कुछ इसमें कुछ ये आ जाए। तो इसलिए मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई करवाया और लिए वहाँ से अप्लाई किया, तो उसके टन टन बजने के जो है ट्यून के बजने की है उसके परीक्षण हुई, और उस परीक्षण में हमको सर्टिफिकेट मिला और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हम एथराइज्ड हुए। मतलब अब हर 24 घंटे में 24 बार अलग अलग धुन। अच्छा। हाँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ी संस्कृति में बहुत सारे धुन हैं, विवाह के भड़ौनी वाले हैं, जस गीत के हैं, है ना, और कई प्रकार के धुने हैं, बांस गीत हैं, ऐसे हर धुनों को मैंने कलेक्शन करवाया। और यहाँ हमारे बहुत अच्छे मतलब कलाकार रहे हैं, उन लोकल कलाकारों से हमने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाया, और रिकॉर्डिंग करा के उसको चिप्स को बनवाया, और उसको हमने कहा कि इसको कितना मतलब ये किया जा सकता है, तो वो बोले 30 सेकंड का भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा लंबे में फिर मज़ा नहीं आता। तो ये टेक्निकल बात थी, तो मैंने इस बात की स्वीकृति दी, और मैं जब सुन के उसको उद्घाटन किया तो उसका हमारा सर्टिफिकेट भी हमारा आया हुआ है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि रायपुर के पहचान वही नगर घड़ी बन गई। उम्दा एक नायाब तरीका एक आया आपके सामने। दूसरा, उसके बाद फिर जब किसानों के हितों के लिए आप लगातार आगे बढ़ते रहें, किसान भी आपके जो काम को लेके बहुत आगे बढ़े, तो क्या क्या ऐसा काम हुआ जो किसान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनको लाभ मिला है उसमें? जैसे मैंने बताया कि बीज विकास निगम जो है
जब कांग्रेस के शासनकाल थी 2000 में, जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को अलग किया, ये हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत गौरव की बात हुई। और लेकिन एक नियम अनुसार वैधानिक रूप से, क्योंकि बहुमत उस समय कांग्रेस के थी तो कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार के समय में कि मध्य प्रदेश में जब हम थे तो बीज निगम यहाँ भी था छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन उसको उस तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने फिर उनको क्या किया कि हर किसान स्वयं का बीज रखता है इसलिए बीज निगम की ज़रूरत नहीं है करके मंडी बोर्ड में मर्ज कर दिया गया। मंडी बोर्ड में मर्ज होने के बाद बीज के जो काम है हमारे ठप हो गए, किल्लत आनी चालू हो गई। हाँ, फिर उसके बाद 2005 में माननीय रमन सिंह जी हमारे जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा नहीं, बोले हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारा बीज निगम से हम प्रमाणित बीजों के मार्फत से किसानों के उत्पादन को बढ़ाएंगे, तो इसलिए फिर से बीज निगम का गठन हुआ। पहले वे सबसे अध्यक्ष जो बने धर्म कौशिक जी बने, उसके बाद चंद्रशेखर साहू जी बने, उसके बाद तीसरे बार मैं बना, पहली बार 2010 में बना और उसके बाद फिर 2015 में फिर से दूसरी बार भी मुझे ही बनाया गया। उन्हें आपके काम को देखकर आपके जो किसानों के हितों के आप जो काम, क्योंकि मैं समझ चुका था कि बीज निगम में जब काम करके किसानों को बहुत लाभ पहुंचाया जा सकता है। और आप देखे हैं, आप जानते भी होंगे कि अभी की छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार लगातार 4 बार मिल रहे हैं, तो उस 4 बार में ये जो किसानों को हम जो बीज उत्पादक कृषक के रूप में रजिस्टर्ड करते हैं और उनके मार्फत जो बीज का प्रमाणित बीज का उत्पादन करवाते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, प्रमाणीकरण संस्था से हमको सर्टिफिकेशन मिलता है, उस सर्टिफिकेट को हम बोरों में लगाते हैं, एक बहुत टेक्निकल प्रोसेस है वो, और उन टेक्निकल प्रोसेस को हम बढ़ा करके किसानों तक प्रमाणित बीज पहुँचा रहे हैं जिससे हमारा उत्पादन 25 से 30% बढ़ता है। यही एक कारण है कि कृषि कर्मण पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्राप्त होते रहे। लेकिन पिछले समय जो चौथी बार मिला वो जो है माननीय हमारे मंत्री जी बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो दलहन तिलहन के ऊपर में इंटरेस्ट लिया उसके ऊपर में भी प्राप्त किया, ये और बड़ी बड़ी बात थी, नहीं तो छत्तीसगढ़ जो है दलहन तिलहन के नाम में तो बहुत पीछे थे, लेकिन उसको भी प्रयास करके आगे लाए तो बृजमोहन जी का बहुत प्रयास रहा उसमें। मतलब प्रमाणित बीजों की अब कोई कमी नहीं रही? नहीं, कभी नहीं रही। अभी डिमांड हमारी रहती किसानों की तरफ से 10 लाख क्विंटल का, और पूरे 10 लाख क्विंटल हम उन प्रमाणित बीज भंडारण करते हैं, सोसाइटी के माध्यम से ब्लॉकों में भंडारण होते हैं और वहीं से उनको वितरित होता है। किसान अपने अपने के प्रकरण जो सोसाइटी में बनवाते हैं और वहां से बीज भी उठाते हैं। तो बीज को लेकर अब जैसे बीज अच्छे बीज मिलने लगे हैं और अच्छे बीज मिलने से फसल भी बहुत अच्छी होने लगी है, तो उसको लेकर और बीज विकास निगम और क्या पहल कर रहे हैं, आगे के लिए क्या पहल है उनका? जैसा हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है बीज उत्पादन, किसानों को हम बीज उत्पादक कृषक के रूप में रजिस्टर्ड करते हैं और उनको वो मतलब फाउंडेशन सीड उपलब्ध कराते हैं, वो अपने खेतों में बोते हैं, जब फसल आ जाती है तो वो हमको वापस करते हैं प्रक्रिया केंद्रों में, और प्रक्रिया केंद्र में हमारे पास ग्रेडिंग मशीन होती है, उसमें हम ग्रेडिंग करते हैं और उसमें धूल धक्कड़ यों तो सब उड़ाया जाता है, और उसके बाद प्रमाणीकरण संस्था एक अलग होती है, वो प्रमाणीकरण संस्था हमारे सैंपल लेते हैं और उस सैंपलों को लेबॉरेटरी भेज करके उसमें जर्मिनेशन टेस्ट करवाते हैं कि आखिर उस प्रमाणित बीज का जर्मिनेशन और उनका मिनिमम जो जर्मिनेशन टेस्ट 90-95 होना चाहिए, अगर है उतना रहेगा तभी हमको सर्टिफिकेट एक कार्ड मिलता है, उसको हम हर बोरे में सिलाई करते हैं, लॉट के अनुसार आते हैं, और हम जब जिन जिन किसानों के लॉटों को नंबर दिए रहते हैं उनके हम प्रमाणित करके उसको सिलाई कर देते हैं, और जिस समय किसान अपना उत्पादन लाता है तो हम 80% उसको पेमेंट करते हैं, 20% इसलिए रोकते हैं कि कुछ बीज हो सकते हैं किसी कारण से फेल हो जाए, उसमें बहुत सारे कारण में एक कारण ये भी रहता है कि अदर वेराइटी मिक्सिंग भी हम पसंद नहीं करते, जैसे हमारा ब्लड अगर कोई ग्रुप का है उसमें कोई दूसरा ब्लड नहीं डाला जा सकता, वैसे हम बीजों को मूल रूप में ओरिजिनल रहे तो उसमें दूसरे वेराइटी की मिक्सिंग हम पसंद नहीं करते, और जर्मिनेशन टेस्ट जो प्रमाणीकरण संस्था है खुद ही उसको ये रिजेक्ट करती है। क्वालिटी का ध्यान रखा, क्वालिटी का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। और किस तरह से और दूसरी जो दूसरी है, ये तो उत्पादन का कार्यक्रम रहा। तो 2005-06 में जब रमन सिंह की सरकार थी तो उस समय 5,917 हेक्टरों में उत्पादन हमने किसानों के माध्यम से लिया था, और आज हमारे 17-18 में 40,000 हेक्टरों में हम उत्पादन ले रहे हैं। और उसके बाद उपार्जन की जो मैं बात बताया था, तो जहां 2005-06 में 64,366 क्विंटल के उपार्जन किए थे किसानों से प्राप्त किए थे, तो वही जो है 17-18 में 10 लाख क्विंटल प्राप्त हुए। उपार्जन के बाद अगर वितरण जो किया जाता है, सभी किसान जो है सोसाइटी के माध्यम से उसको अपने बीजों को लेते हैं, 5-06 में हमने 66,980 क्विंटल बीजों का वितरण किया,
तो लेकिन 16-17 में 10,85,404 क्विंटलों का वितरण हुआ। मतलब हम किसानों को ये बात को अच्छी तरह समझा दिए कि प्रमाणित बीज आप बो और आपका उत्पादन बढ़ेगा, उसमें हम सफल होते गए हैं। इस कृषि कर्मण पुरस्कार की बात मैंने आपको बता दिया था, तीन बार कृषि कर्मण पुरस्कार धान के ऊपर मिला और एक बार दलहन तिलहन के ऊपर। उसी प्रकार आगे अब ये प्रकार प्रमाणित बीज जो रहते हैं, उस प्रमाणित बीज को प्रक्रिया केंद्रों के माध्यम से ये किया जाता है, संसाधन किया जाता है उपार्जन करने के लिए। तो उस समय हमारे बीज 12 बीज प्रक्रिया केंद्र थे, क्योंकि उस समय पहले शुरू में हम मध्य प्रदेश में थे, तो मात्र उस समय 12 थे 2005-06 में। वो अभी बढ़ के 15-16 में 27 हो गए हैं 15-16 में, और अभी हमारे 4 और गीदम, कोंडागांव, सुकमा आदि केंद्रों में फिर से प्रक्रिया केंद्र और अच्छे बना रहे हैं, क्योंकि हमको बस्तर क्षेत्र को भी डेवलप करना है, तो यहाँ भी प्रक्रिया केंद्र और बन रही हैं। और इस भंडारण की जो क्षमता है गोदामों की, क्योंकि बीज को अगर हम तरीके से भंडारण नहीं करेंगे तो उसके ऊपर मौसम का असर पड़ता है, और इसलिए उसका जो जर्मिनेशन है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो जो 5-6 में 12 गोदाम थे यहाँ सिर्फ भंडारण के लिए, तो 12-13 में 43 गोदाम हुए, 16-17 में 112 गोदाम हो गए, और 12 गोदाम अभी निर्माणाधीन हुए। इस प्रकार 124 गोदाम के माध्यम से हम भंडारण करते हैं, सुरक्षित रखते हैं अपने बीजों को, ताकि किसान को बहुत अच्छी बीज उनको मिल सके, उनका फसल भी उससे फसल भी अच्छी हो। इसके अतिरिक्त 10 गोदाम जो है 500-500 मेट्रिक टन के और छोटे छोटे जहाँ कम ये हैं वहाँ भी बनाए जा रहे हैं। गोदामों की क्षमता के 1500-1500 मेट्रिक टन के 3 जो हैं अभनपुर, चपले और खोखसा, ये 3 जगह और बना रहे हैं, जहाँ जहाँ हम आवश्यकता देखते हैं उसके अनुसार वो हम गोदामों को बना के भंडारण करते हैं। ग्रेडिंग मशीन की बात है, जिस ग्रेडिंग मशीन से हम संसाधन करते हैं, ऐसे पहले 2005-06 में 12 मशीन थी मात्र, जिस समय हम मध्य प्रदेश में थे वहाँ से अलग होने के समय में, और उसके बाद 16-17 में 27 प्रक्रिया केंद्र में 50 मशीनें लगी, है ना। जो बड़े सेंटर होते थे उसमें दो दो तीन तीन मशीनें भी लगानी पड़ती है, क्योंकि टाइमली हमको ग्रेडिंग कराना पड़ता है और वहाँ लोगों को भंडारण के लिए पहुँचाना पड़ता है। लेकिन 17-18 के बाद हमारे में कई इसमें और मशीनें लगी हैं, जैसे गीदम है, बसना है, घोटिया है, अभनपुर है, शिवपुरी है, इस प्रकार से 55 मशीनें हमारी काम कर रही हैं अभी वर्तमान में। जी हाँ, 2005 में जहाँ 12 थी, अभी हमारे 55 मशीनों के माध्यम से हम संसाधित करते हैं बीजों को। मतलब बीज विकास निगम की ओर से जितनी पहल जो किसानों के लिए की जा रही है वो लगातार जा रही है, लगातार, और जितनी मांग है उसमें हम पूरे करते जा रहे हैं। इसमें जैसे आप किसी चीज़ की जब ज़रूरत पड़ती है तो मुख्यमंत्री जी से आप मांगते हैं, तो क्या रहता है सीएम साहब से आपका? इसमें तो शासन से हमें किसी प्रकार का नहीं आता, लेकिन एक चीज़ मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जब मुख्यमंत्री जी की आपने बात किया, 2016 में यहाँ पानी कम गिरने के कारण अकाल पड़ा, और अकाल जब पड़ा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो छोटे किसान हैं बेचारे, लघु सीमांत कृषक कहलाते हैं, मतलब 1 हेक्टर वाले 2.5 एकड़, तो ऐसे किसान आखिर बीज कहाँ से लाएंगे अगले साल के फसल के लिए? तो उसके लिए उन्होंने मुफ्त में बीज देने की बात की, और उसकी जवाबदारी बीज विकास निगम को दी गई। तो बीज विकास निगम ने इसको बहुत अच्छे से लिया, और 4 लाख क्विंटल बीजों का वितरण लघु सीमांत कृषकों को किया गया। हाँ, 90 करोड़ के मतलब उसमें हमको फंडिंग मुख्यमंत्री में से द्वारा किया गया, कभी नहीं। मैं बताया कि मुख्यमंत्री जी जो है अपने बजट में, मुख्य बजट से भी कृषि के बजट को उनने अलग किया, जो प्रदेश का ये मतलब भारत में उदाहरण है कि कृषि में कितना ध्यान दिया जा रहा है। तो इस तरीके में आप देखेंगे कि 13,480 करोड़ रुपया 18-19 के बजट में उन्होंने अलग रखा है कृषि के लिए, जिसे किसानों को डायरेक्ट फायदा मिले और किसी के ऊपर में पूरा ध्यान दिया जा सके। उसी प्रकार सरकार ने अभी 6 स्थानों पर कृषि महाविद्यालय अभी खोलने की बात की है इस बजट में 18-19 में, जिसमें महासमुंद, जसपुर, कोरबा, छुई खदान, कुरूद और गरियाबंद, यहाँ कृषि कॉलेज खोले जा रहे हैं। अभी आप देखते हैं कि इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज की में लोग का एडमिशन कम ले रहे हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज में ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं। ये रुझान भी किसानों का ये कि हमारे भारत के लिए भविष्य में बड़ा सुखद है। मैंने एक समय जो लोग धान का कटोरों के धीरे धीरे भूलने लगे थे, फिर से दोबारा वो आ रहा है वो दौर। और अभी क्या किसानों के हित में भी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में 2100 करोड़ का बोनस भी दिया है, जैसा उनने घोषणा किया, और 2100 करोड़ का बोनस का वितरण हुआ बाकायदा। अभी जो विकास यात्रा भी निकलने वाली है, इस विकास यात्रा में भी इस साल का बोनस दिया जाएगा,
किसानों को लाभ मिले, किसी प्रकार की कमी कोई ना हो और उत्पादन में कोई कमी मत हो, किसान को किसी प्रकार का नुकसान भी मत हो, इन पूरी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। अब किसानों की बात हम कर रहे थे, अब एक छोटा सा वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे।